हम 2029 में 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें इसके लिए काम कर रहे हैं। हम 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो टारगेट पर ला करके कार्बन मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम 2030 के बजाय अपनी टारगेट डेट से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी नीतियां बना रहा है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में हमारे देश में अनगिनत ग्रीन जॉब्स बनेगी। साथियों, विकसित भारत वो नहीं होगा जिसका भविष्य भाग्य के भरोसे हो। इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष्य बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। भविष्य में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जिसे लाखों करोड़ रुपए का खाद्य तेल बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पाम ऑयल मिशन की मदद से हमारे किसान इतने सशक्त हो जाएंगे कि वो देश के पैसों की बचत कर सके। बीते कुछ वर्षों में दलहन, तिलहन और श्री अन्न के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं जिससे छोटे छोटे किसानों को मदद हो रही है। भविष्य में भी हमारे किसानों को इनसे और लाभ मिलेगा। किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने देश के कोने कोने में अमृत सरोवर अभियान भी शुरू किया। आजादी का अमृत महोत्सव हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम दिल्ली के अंदर कोई एक बड़ा ताबूत खड़ा कर दे के नाम लिखवा सकते थे कि आजादी के अमृत काल में मोदी जी ये बना के गए हैं। हमने आजादी के अमृत वर्ष को जन आंदोलन बनाया और काम क्या किया, तालाब बनाए। हर गांव में जब तालाब बनते हैं ना, वो किसान को सुरक्षित करते हैं, शुद्ध पानी की गारंटी देते हैं, जमीन उर्वरक बना देते हैं। लंबे भविष्य को सोच करके ऐसे काम हम करते हैं। और इस अभियान के तहत देश में अब तक 60,000 से ज्यादा नए सरोवर बनाए जा चुके हैं। 60,000 तालाब शायद ही किसी सरकार के नसीब में इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य आया होगा। ये सरोवर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे। आज ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े अभियान और सोलर रूफटॉप मिशन के कारण देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनेगा और इससे पूरी दुनिया में नई कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन को भी भारत गति देने का निमित्त बनने वाला है। पोर्ट लेन ग्रोथ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आने वाले समय में हर क्षेत्र को नई ऊंचाई मिल सकेगी। साथियों, भाजपा आज देश का एकमात्र दल है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रति इतना आग्रही भी है और इतना समर्पित भी है। मैं पिछले महीने के अपने अनुभवों को भी कभी भूल नहीं सकता। इस दौरान मुझे भगवान श्री राम से जुड़े कई स्थानों में भ्रमण करने का अवसर मिला। मेरा 11 दिन का अनुष्ठान चल रहा था। उस अनुष्ठान के दरमियान मैं नासिक, लिपाक्षी, त्रिप्रयार, श्रीरंगम, रामेश्वरम, धनुषकोडी, मैं इन जगहों पर एक सामान्य साधक के तौर पर गया था। इस दौरान मुझे दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से जो स्नेह मिला, आशीर्वाद मिले,
मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता और पॉलिटिकल पंडितों के पैरामीटर में वो कभी आ भी नहीं सकता है जी। जब मैं सड़कों से गुजर रहा था, लोग अपने वचन से, अपने भावों से मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। इस दौरान मुझे कंब रामायण का पाठ सुनने का अवसर मिला। ये ठीक उसी जगह पर हुआ जहां महान कवि कम्बन ने 800 वर्ष पहले अपने रामायण की रचना की थी। आप कल्पना कर सकते हैं उसी स्थान पर बैठ करके जो मैं कंब रामायण सुन रहा था, उस भाव विश्व को मैं ही अनुभव कर सकता हूं। एक ऐसा अद्भुत क्षण था जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पूरी तरह समाहित थी। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने भी कम अधिक मात्रा में इसे महसूस किया होगा। हम हमेशा विभिन्न तरीके से देशवासियों को करीब लाने का निरंतर प्रयास करते हैं। एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमारी कोशिश रहती है, चाहे संयुक्त राष्ट्र में पहली बार जाकर के कोई तमिल में बोलता है, जगतगुरु बसवेश्वरा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम लेके जाते हैं, काशी हो या फिर बीएचयू में सुब्रमण्यम भारती के नाम पर चेयर की स्थापना हो, हम G20 करते हैं तो भी देश के कोने कोने में जाकर के करते हैं, हम विश्व के मेहमान आते हैं तो दिल्ली को ही देश नहीं मानते, हम हर राज्य में लेकर के जाते हैं, हमारे राजभवनों में हर राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। कोई भी राज्य भवन होगा, नागालैंड का भी वहां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और गुजरात का भी मनाया जाएगा, महाराष्ट्र का भी मनाया जाएगा, गोवा का भी मनाया जाएगा, हर राजभवन में राष्ट्रीय एकता का एक प्रकार से उत्सव मना दिया जाता है। हम अपनी विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे दिल के बहुत करीब है, इसे मजबूत बनाने के लिए हम काम करते हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारी गवर्नेंस में भी दिखाती है। हर क्षेत्र के विकास पर हमारा पूरा फोकस है। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण आपके सामने है। पहले की सरकारों में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया क्योंकि पार्लियामेंट की सीटें कम है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। हम वोट और सीटों के हिसाब से काम नहीं करते। मेरे लिए तो मेरे देश का हर कोना समृद्ध हो, विकसित हो, ये हमारा भाव है। आज चाहे सियाचिन हो या फिर देश के आकांक्षी जिले हो, कोई हमसे दूर नहीं है। वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमारे लिए देश के वो पहले गांव बन गए। और मैंने सारे कैबिनेट के मंत्री उन गांवों में रात बिता कर आए। कुछ मंत्रियों को तो -15 डिग्री में रात को रुकना पड़ा वहां, क्योंकि हम आत्मसात करना चाहते हैं। हमारे लिए देश का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है, हर हिस्से पर हमारा फोकस है। साथियों, जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखता है और जिसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य प्रमुख रहते हैं, वो भी अगर न्यूट्रल है तो पब्लिकली हमारी प्रशंसा करते हैं, न्यूट्रल नहीं है तो खानगी में तो कर ही देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, हमने समय के साथ खुद को सकारात्मकता के साथ बदलने का प्रयास किया है। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे,
उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही, अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया, हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और प्रणाम लाकर के दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। हमारी कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या में नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं। नागालैंड से पहली बार एक महिला राज्यसभा में सांसद बन गई है। हमें गर्व है कि हमने पहली बार त्रिपुरा के व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर स्थान दिया है। पहली बार हमारी सरकार में अरुणाचल प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर मिला। पहली बार गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। हमारी सरकार में ही गोवा से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हमें गर्व है कि हम बीजेपी के एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जो मंत्रालय में रिकॉर्ड ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अमित भाई ने इसका विस्तार से वर्णन किया, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं कहना चाहता। साथियों, हमारी सरकार सबके लिए, सबका साथ सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहब कॉरिडोर के द्वारा लाखों सिख श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती है। अब कल्पना कीजिए, 70 साल तक भारत की सीमा में रह करके हमारे सिख पंथ के अनुयायी दूरबीन से पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहब के दर्शन करते थे। हमने रास्ते खोल दिए दोस्तों, अब वो स्थिति बदल गई है। हमने लंगर की वस्तुओं से जीएसटी भी हटा दिया। हमने स्वर्ण मंदिर के लिए एफसीआर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेशियों को सेवा करने का अवसर मिला। पहली बार वीर बाल दिवस मनाकर हमने सत्य और न्याय के लिए बलिदान देने वाले साहजादों को, शौर्य को सम्मान दिया। आज केरल का बच्चा भी जानता है कि साहबजादे का बलिदान कैसा था। नागालैंड का बच्चा भी जानता है कि साहबजादों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। साथियों, अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाए हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हज की प्रक्रिया में सुधार करके यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज बिना महरम के हज करना भी संभव हुआ है। इससे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हुआ और हजारों महिलाएं गई। साथियों, 2014 में जब मैंने शपथ ली तो हमारे कई आलोचक कहते थे, मोदी जी एक राज्य के बाहर उनका क्या अनुभव है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया, ये मोदी क्या करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, गुजरात चलाया होगा, लेकिन वो सब सोचने देख लें, विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही यूएई और कतर से जाकर के आया हूं। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। 2015 में जब मैं यूएई गया था पहली बार, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। सोचिए किस तरह हमने उस पूरे क्षेत्र को छोड़ रखा था। कांग्रेस की सरकारें पूरे वेस्ट एशिया को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखा करती थी। उन्हें भारतीयों की शक्ति और उनके विश्वास पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन आज भारत इस क्षेत्र से संबंधों का नया अध्याय लिख रहा है। पहले लोग सोचते थे
कि बस तेल का इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां से कुछ लेबर बेच देते हैं ताकि उनको रोजी रोटी मिल जाए। अब ऐसा नहीं है। आज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। यहां तक कि अरब के 5 देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। यह सम्मान मोदी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है। और भाइयों बहनों, विदेश नीति के जो भी जानकार है वो विदेश से मिले हर संकेत भी पकड़ ले रहे होंगे। आज अलग अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल ये खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से पूरी दुनिया का हित होने वाला है, ये पूरी दुनिया मानने लगी है। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है और इन सब के बीच कोई देश हमारी सरकार से बातचीत के लिए, आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अपप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को
खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो एचएल के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे, लेकिन देखिए एचएल आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं। आज जरा देखिए एचएल का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर, उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। साथियों, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा, क्या लड़ाई है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है कांग्रेस के अंदर। एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से